वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि कुछ गल्लां हमेशा गुप्त रहनियां चाहीदियां ने। इह गल्लां कदे भी किसे नूं नहीं दसणियां चाहीदियां, क्योंकि जेकर आपां इह गल्लां किसे नूं दसदे आ तां साडा वड्डा नुकसान हो सकदा है, असीं किसे मुसीबत दे विच फस सकदे आ। सिर्फ अपने तक सीमित रखनिया ने, उन्हां गल्लां बारे अज दी वीडियो विच आपां गल करनी आ। इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते समझना, अते इह गल्लां क्यों आपां किसे नूं नहीं दसणियां इन्हां दे कारण वी नाल नाल दसांगे, क्योंकि गल्लां नूं ना दसण दे पिछे कोई भी वहम भरम नहीं आ। इह गल्लां कारण दे नाल दसियां जाण, इस करके पूरी वीडियो नूं जरूर सुनियो। अते जेकर तुसी इस गल दे नाल सहमत हो तां अपने विचार कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिख रहे हैं। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। तां देखो जी, आपां इस दुनिया दे विच विचर जिया होए आ, लोकां दे नाल मिलदे जुलदे रहिंदे आ। कई वार किसी के दुख विच, कई वार किसी के सुख विच जाके शरीक होंगे, भाईवाल बनते हैं। तो जो आप लोगों के नाल उठते हैं, बहने हैं, मिलते जुलते हैं, तो कई प्रकार दीआं गल्लां होंदीआं ने। तो कई बार जाने अणजाने दे विच साडे मूहों कुछ गल्लां निकल जांदीआं ने, कुछ भेद असी अपने लोगों नूं दस बैठते हैं, जो बाद दे विच साडे लई वड्डी मुसीबत का कारण बन जांदे ने। तो बस उन्हां भेद उन्हां गल्लां बारे गल कर जिन्हां नूं आपां भुल के भी कदे किसे नूं नहीं दसना। तो देखो जी, सब तो पहला गल आउंदी आ पैसे दी, कि अपने पैसे दे बारे कदे भी किसे नूं नहीं दसना चाहीदा। पैसा चाहे साडे कोल वध होवे चाहे घट होवे, इस नूं गुप्त ही रखो। इस भेद नूं कदे किसे दे नाल सांझा ना करो। इस दे पिछे कारण आ, इस दा कारण इह आ कि देखो अज दा जो समां चल रिहा है, इस समय दे विच किसे नूं किसे दी नहीं पई। बस हरेक इंसान एक दूसरे तो अगे वधन दी कोशिश कर रहा है, फिर चाहे कोई भी ढंग तरीका क्यों ना अपनाउणा पवे। अजे विच जदों आपां अपनी तरक्की बारे, अपनी कामयाबी बारे जां अपने धन बारे दसदे आं, तां कई वार कई लोकां दी ईरखा दा सामना सानूं करना पै सकदा है। कई लोग साडे तो साड़ा करन लग जांदे ने, जां फिर कई प्रकार दीआं गल्लां करनियां शुरू कर दिंदे ने कि इस कोल इन्ना धन कित्थों आ गया, किते कोई माड़ा काम तां नहीं कर रहा, भाव कि जिन्ने मूंह उन्नियां गल्लां होणियां शुरू हो जांदियां ने। तां इस तों चंगा है कि असीं किसे दे नाल गल करिए ही ना, विखावा करन दी लोड़ ही नहीं आ। अते जेकर साडे कोल धन घट आ तां वी इस दा जिक्र किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन बदलदिया देर नहीं लगती। कदे भी दिन इको जे नहीं रेंदे, जे अज माड़े दिन ने तो चंगे भी आउणगे। तो जेकर आपां हर वेले किसी दे कोल अपनी गरीबी दे अपने दुख दे रोने रोंदे रहिंदे आ, तां लोक साडे नाल मिलना जुलना तक भी बंद कर दिंदे ने। कह दिंदे ने कि इन्हां दा तां सुभाअ ही आ, जदों गल कर लो अपने ही रोने सुणाउंदा रहिंदा है, जां फिर अगे चल के साडे चंगे समें दे विच साडे माड़े समें दा सानूं मेहना मारिया जांदा है। इस करके भी नहीं दसना चाहिए। बस कहन तो भावे आ कि पैसा चाहे साडे कोल वध होवे चाहे घट होवे, किसे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे कोई जे साडे कोल वध पैसा है तां किसे ने साडे वध पैसे तो साडी तरक्की तो खुश नहीं होना, जेकर घट है तां सानूं किसे ने दे नहीं जाना। इस करके विखावा करन दी लोड़ नहीं। हाँ, गिने चुने लोग हुंदे ने जिन्हां नूं साडी तरक्की कामयाबी तो खुशी हुंदी आ, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल, अपने खास रिश्तेयां दे नाल अपनी तरक्की अपनी कामयाबी सांझी कर सकदे आ, पर हरेक मनुख दे नाल नहीं, क्योंकि कई प्रकार दीआं गल्लां दा सामना करना पवेगा। अते जिथे पैसा घट हुंदा है उत्थे भी लोग नहीं छड्डदे, उत्थे कह दिंदे ने जदों हुंदा सी पैसा उदों तां सांभिया नहीं, हुण रोंदा फिरदा है, इसलिए लोड़ ही नहीं। अते उस तों बाद दूसरी गल आउंदी आ कि अपने घर परिवार दी गल कदे वी किसे नाल ना करो, क्योंकि घर परिवार दे विच छोटियां मोटियां गल्लां ते लोक झोग नाराजगी चलदी रहिंदी आ। पर जेकर आपां घर दा गुस्सा नाराजगी घर दी कोई भी निक्की मोटी गल बाहर जाके दसदे आ,
अगे चल के आपा तो उस गल नूं कदों दा भुला दिता क्योंकि परिवार विच तां इहो जिहियां गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने पर जेकर असीं बाहर दसी सी तां ओह लोक हमेशा लई उस गल नूं याद रखदे ने अते कदे वी सानूं वी भुल्लण नहीं देणगे जदों वी सानूं इकट्ठिया बैठिया नूं देखणगे ओह साडी शांति भंग करन दे लई साडी एकता नूं भंग करन दे लई ओह गल याद जरूर करवाउंदे ने इस करके घर दे विच चाहे लड़ाई होवे कोई वी गुस्सा नाराजगी होवे जो कोई भी माड़ा मोटा मन मुटाव हो बाहर कदे नहीं दसना अते उस तो बाद तीसरी गल आती है वह है दान पुन दी अते पाठ पूजा दी इत्थे भी यह गल स्पष्ट कर दिंदे आ कि पाठ अते दान पुन गुप्त करने को इसलिए किया जाता है तां जो इह साडे वल्लों कीता होया दान पुन जां पाठ पूजा किते साडे हंकार दा कारण ना बन जावे क्योंकि जदों भी आपां दान पुन करदे आ लोक भलाई दा कोई काम करदे आ तां जदों साडी प्रशंसा की जाती है तो आप माड़े दिल के होने करके प्रशंसा उस वड्याई सह नहीं पाते आप होमेवस हो जाने उस ही तरह कई बार जो किसी को पता लगता है कि आप 3 बजे उठते हैं 2 बजे उठ के पाठ बंदगी करते हैं तो सामने वाला 1-2 बार भी कह दे ना कि ये बड़े चंगे कर्म ने यह तो रोजाना अमृत वेले उठने वाला है भाई तो कित ना कि मन के होमे हंकार आ जाता है जो आपू खुद न पता नहीं लगता फिर पता उदो लगता है जो पाठ विच मन नहीं लगता पाठ विच मन नहीं जुड़ता फिर आप कहने की कितने गलती हो गई पर गलती यही होंगी है कि जो असि थां थां ते जाके अपनी कीती कमाई बारे दसदे हां प्रशंसा हासिल करदे हां फिर ओ प्रशंसा वडियाई नूं सह नहीं पाउंदे ओ प्रशंसा ओ वडियाई साडी होमे बन जांदी आ इस करके असि अपने हत्थी कीती कमाई अपने हत्थी नष्ट कर बैठे आ इस करके अपना पाठ अते दान पुन किसे नूं नहीं दसना चाहीदा जिन्ना गुप्त करोगे जिन्ना गुप्त रखोगे उन्ना ही वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे चरणा दे नेड़े हो जाओगे उस तो बाद गल आउंदी आ साडियां अतीत दीआं घटनावां अपने अतीत बारे कदे भी किसे नूं ना दसो क्योंकि कई बार साडा अतीत साडे सामने वड्डी मुश्किल खड़ी कर दिंदा है उस तो बाद गल आउंदी आ मान सन्मान दी अते अपमान दी देखो जी जिंदगी दे विच कई मौके आउंदे ने जिथे साडा बड़ा मान सन्मान हुंदा है ओह वी कदी किसे दे नाल ज्यादा सांझा नहीं करना चाहीदा क्योंकि ओह वी साडे होमे हंकार दा कारण बनदा है जे किते साडा कोई अपमान होया होवे तां ओह वी कदे किसे दे नाल सांझा ना करो क्योंकि ओह किते ना किते जाके साडे मजाक दा कारण बन सकदा है उस दे कारण साडा मजाक उड़ाया जा सकदा है सानू मेहना वज सकदा है इसलिए चंगा है कि अपनियां ये जिहड़ियां गल्लां ने अपने कोल रखो वध तो वध अपने घर परिवार दे नाल अपने किसी प्यारे जिन्ने जिसते तुहानू बहुत विश्वास है उस दे नाल सांझे कर सकदे हो यह नहीं कि हरेक गली चलदे इंसान दे नाल हरेक इंसान दे नाल आपां अपने दुख सुख सांझे करन लग जाइए अपने पैसे बारे अपने अतीत बारे अपने घर परिवार बारे अपने माण बारे अपने अपमान बारे कदे भी किसे दे नाल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ